पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निगम के जलकल सेक्शन के महाप्रबंधक पर नगर निगम के प्रधान लिपिक राजू अंबेडकर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जीएम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। नगर निगम के अन्य कर्मचारी भी उनके साथ खड़े हो गए। कार्रवाई नहीं होने पर कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। सुबह करीब 11:30 बजे नगर निगम जलकल दफ्तर में हंगामे की स्थिति बनी रही। नगर निगम कर्मचारियों ने नगर आयुक्त कैंप कार्यालय से एसएसपी दफ्तर तक पैदल मार्च करते हुए एक तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। जलकल में प्रधान लिपिक राजू अम्बेडकर का आरोप है कि जीएम जलकल अरुणेंद्र सिंह ने उनसे अभद्रता की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, धक्का देकर बाहर निकाल दिया। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि जीएम ने ये भी कहा कि नगर आयुक्त नहीं, मैं यहाँ का मुखिया हूँ। इस मामले में नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद सुभान, मोहम्मद अली, सफाई कर्मचारी नेता ओमीलाल वाल्मीकि, प्रेम बाबू वाल्मीकि, मुरारी लाल शेषन, अरविंद कुमार, मोहित किशन, सुनील लश्करी, एम सुमन समेत तमाम कर्मचारी एसएसपी ऑफिस पहुँचे और एसएसपी हेमराज मीणा से मिलकर जीएम जलकल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो सोमवार से कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। कप्तान साहब से मिलने का जो मामला है कि हमारे बड़े बाबू राजू अंबेडकर जी, जिनको नगर आयुक्त महोदय के आदेश से 6 अप्रैल को जलकल संस्थान में बड़ा बाबू बनाकर भेजा गया था, लेकिन वो एससी एसटी के हैं, इसलिए शायद बड़े बाबू जीएम जल बड़े बाबू को मेरे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसी बाबत उन्होंने उनको उत्पीड़न करना शुरू कर दिया और बड़े बाबू का आदेश जो नगर आयुक्त महोदय ने किया था उसके बाद पुनः उन्होंने आदेश कर चपरासियों के सारे कार्य एक बड़े बाबू को दे दिए। मैं हैरान हूँ, ये सिद्ध होता है कि उनके अंदर हीन भावना है। इस बाबत ये 11 बजे आज मिले होंगे तो उस पर जो है इन्होंने जाति सूचक शब्द कहे और कहा कि ये चमट्टा गर्दी मत दिखा और तुम्हारी जात को मैं जानता हूँ, धक्का दे के बाहर निकाल दिया। इस बाबत हमने जो है कप्तान साहब को जो है एप्लीकेशन दी है कि इनकी गिरफ्तारी हो, अन्यथा की स्थिति में टीएम साहब अन्यथा की स्थिति में इसमें जो भी कार्रवाई हम लोग करेंगे, जो एक सम्मान की बात हुई है कर्मचारी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे नगर निगम कर्मचारी संघ मैं अध्यक्ष होने के नाते कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। एक एक कर्मचारी मेरे कर्मचारी के साथ है, राजू अंबेडकर जी के साथ है और इसमें प्राथमिकी दर्ज के लिए हमने कप्तान साहब को सुसंगत धाराओं में प्रार्थना पत्र दिया है और कप्तान साहब ने हमें आश्वस्त भी किया है कि आपके साथ न्याय होगा। अगर इसमें 24 घंटे के भीतर जीएम जल के खिलाफ अगर ज़िला प्रशासन को कार्रवाई नहीं करता है तो जैसा कि ओमीलाल जी ने और हमने सब सहमति बना ली है तो इसमें सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, जल आपूर्ति हम सब बंद कर देंगे, वसूली बंद कर देंगे, क्योंकि हमने सेवा पुस्तिका में अपने मान सम्मान को गिरवी नहीं रखा है कि कोई भी जो है कर्मचारी को गाली बक देगा। और जीएम जल जो है वो अभी अंधेरे में है, वो भूल गए कि जब उनके खिलाफ जनता आ गई थी तब हम ही कर्मचारी थे जो उनके खिलाफ लड़े थे और उनका मान सम्मान को हमने ही बचाया था। वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं हैं। मैं खुले शब्दों में मीडिया बंधुओं के माध्यम से चेतावनी देता हूँ, ये नगर निगम कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, कोई छोटे मोटे डिपार्टमेंट का नहीं हूँ। पूरे सफाई की व्यवस्था की टोटल जो सुविधाएँ, जो फैसिलिटी नगर निगम प्रोवाइड कराता है, उससे जनता को इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी, उसकी समस्त जिम्मेदारी जीएम जल की होगी, ज़िला प्रशासन की होगी, निगम प्रशासन की होगी। इसमें मुझे सिर्फ गिरफ्तारी चाहिए, कार्रवाई चाहिए, इसके अलावा कोई फैसला कोई बात नहीं होगी। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।